नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। देश में सबसे बड़ा उलटफेर, सबसे बड़ा सरप्राइज अगर कहीं मिला है तो वो सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिसकी वजह से ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बहुमत तक पहुंचने से दूर रह गई, बल्कि यूपी की कई सीटों में जिस तरह समीकरण बदला, उसमें से रामनगरी अयोध्या की फैजाबाद सीट सबसे हॉट सीट बनी, जहां 500 साल के बाद राम मंदिर बनाने के बावजूद बीजेपी वहां पर हार गई। तो वहीं सपा का ऐसा समीकरण बना कि उन्होंने अवध नगरी में जीत से यूपी का गणित ही बिगाड़ दिया। इसलिए देखिए कैसे राम जी की अयोध्या में हारी बीजेपी। मोदी जीते, एनडीए की सरकार भी बन रही है, लेकिन यूपी में जो नुकसान हुआ, उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आया, अयोध्या की फैजाबाद सीट पर जो हुआ, वो बीजेपी के लिए सिर्फ हार नहीं है। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूँ, सांसद बनने वाले हो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो चुनाव से पहले कहा था, वो 4 जून को सही साबित हो गया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जीत गए, यानी जिस राम नाम के सहारे भारतीय जनता पार्टी बहुमत तक पहुंचना चाहती थी, वो उसी अयोध्या नगरी की फैजाबाद सीट से हार गए। ऐसे में सवाल उठता है कि राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी कैसे हार गई। 4 जून के नतीजों को लेकर बीजेपी के नेताओं से लेकर राम भक्त तक हर कोई यही सोच कर हलकान है कि यूपी में बीजेपी कैसे हार गई। यूपी हारे तो हारे, लेकिन अयोध्या कैसे हार गई। जो अयोध्या बीजेपी की बुनियाद में है, जिस अयोध्या में 500 साल बाद राम लौटे, जिस अयोध्या के विकास के लिए मंदिर, एयरपोर्ट, हाईवे तैयार किए गए, पूरी सियासत झोंकी गई, धर्म कर्म सब झोंक दिया गया, उस अयोध्या में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ मुंह की खानी पड़ी। फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते हैं। उन्हें कुल 5,54,289 वोट मिले। यहाँ से लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट हासिल हुए। ये हमने नहीं जीता है, इस क्षेत्र की महान जनता ने, जो तुल्य जनता ने जिताया है, हमने नहीं जीता। ये राम को लाए हैं, राम के लाने वाले लोग हैं। राम तो बहुत हजारों लाखों वर्ष पहले आ चुके हैं, राम तो जन जन में है, राम को कोई लाए नहीं है। ये तो राम को लाने वाले नहीं है, राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं। ये पोल पट्टी सब खुल गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के महज 4 महीने बाद ही अयोध्या में बीजेपी की हार हो गई। अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहाँ की जनता को, जिस तरह के सरकार का काम काज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया, सही जमीन था, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें ले ली उनकी, जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगाकर उनसे जमीन छीनी। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे। अयोध्या में बीजेपी की हार का कारण अगर सियासतदानों से पूछेंगे तो जितनी मुंह उतनी बातें सुनाई देंगी। जीतने वालों से पूछेंगे तो बताते हैं कि संविधान, लोकतंत्र, महिला, महंगाई, किसान का मुद्दा था। हारने वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे विपक्ष की ओर से फैलाया गया भ्रम और भीतर घात से हार गए। निश्चित रूप से अपेक्षित परिणाम नहीं आए हैं, इसकी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका कारण भी मुझे लगता है कि जिस प्रकार से गलत तथ्यों के आधार पर, भ्रामक तरीके से, झूठे बातों के आधार पर भ्रामक प्रचार आम जनता के मन में बिठाने के काम में जो एनडीए गठबंधन सफल हुआ, उससे हमें नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा। जनता ने अपने मुद्दों पर मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। जहां तक सरकार बनने का ना बनने का है, सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ अयोध्या ही नहीं, बल्कि यहाँ के आसपास के 100 किलोमीटर तक भी बीजेपी जीत का स्वाद नहीं चख पाई।
चुनाव के दौरान लल्लू सिंह का संविधान बदलने वाला बयान भी बीजेपी पर भारी पड़ा है। सरकार तो 272 तो भी बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए। यही सबसे बड़ी वजह बनी कि दलित मुस्लिम और पासी समाज का वोट अवधेश प्रसाद के साथ चला गया। साफ है, अखिलेश यादव ने अपने पीडीए वाले फॉर्मूले को सही साबित करते हुए यूपी ही नहीं बल्कि अयोध्या में भी जीत हासिल की है। बीजेपी की इस हार ने 1992 के लोकसभा चुनाव की याद दिला दी, जब मुलायम सिंह यादव और काशीराम एकजुट हुए थे। वैसे ही इस बार के चुनाव में राहुल और अखिलेश की जोड़ी एक साथ आई थी। नैतिकता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो अखिलेश यादव वाले नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, अगर विधानसभा बाद अगर देख लिया जाए तो इतने प्रत्याशी जीते हैं कि आज अगर चुनाव हो जाए तो सरकार समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में बनेगी। इस देश ने न सिर्फ बीजेपी को अयोध्या में शिकस्त दी पर श्रावस्ती में भी, जहां पर नृपेंद्र मिश्रा जी के पुत्र लड़ रहे थे और घूम घूम कर कहते थे मेरे पिता ने मंदिर बनवाया, वहां पर भी भाजपा को हराया। ये किसकी हार है? ये हार है उन लोगों की जिन्होंने प्रभु राम को एक छोटा सा बनाकर नरेंद्र मोदी को उनकी उंगली थाम दी, जिन लोगों ने गाने बनाए हम राम को लाए हैं। प्रभु राम जो देश ही के नहीं दुनिया के कणकण में बसते हैं, आस्था का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, उन्होंने विराट रूप धारण करके आपको हराया। क्योंकि आपको राम का पुजारी बनना चाहिए था, आप राम के व्यापारी बने। अयोध्या जहां राम मंदिर का निर्माण कराने के साथ बीजेपी को उम्मीद थी कि वो इस बार इस सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। इस सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के उस समय के मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को हराया है, जिसके पीछे अखिलेश यादव का वो फॉर्मूला हो सकता है जिसमें उन्होंने अयोध्या के आसपास के ग्रामीण इलाकों को साधने की पूरी कोशिश की है। चलिए अब आपको बताते हैं फैजाबाद का वोट गणित, किस किस विधानसभा में किस किस अलायंस को, गठबंधन को कितने वोट मिले। अयोध्या देखिए, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, यहां पर इंडिया को 1,00,000 वोट मिले, बल्कि बीजेपी को ज्यादा मिले। जो अयोध्या विधानसभा है वहां पर 4,000 वोट ज्यादा मिले। रुदौली की बात कर लेते हैं, यहां पर इंडिया को 1,04,000 वोट मिले, बीजेपी को 92,000, यहां पर कमी है बीजेपी। मिल्कीपुर की बात करें, यहां पर 95,000 इंडिया अलायंस को, बीजेपी को 87,889, यहां भी बीजेपी पीछे रही। बात करें बाकीपुर विधानसभा की, यहां पर भी 1,22,543 इंडिया को, बीजेपी को 92,859, और मिल्कीपुर में भी इंडिया अलायंस बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर भी 1,31,227 इंडिया और बीजेपी को 1,21,000, 10,000 का फासला यहां पर भी था। तो साफ तौर से आपको यह भी बता दें कि सिर्फ मिल्कीपुर और बीकापुर में अखिलेश की रैली हुई और शहर में होने वाली परेशानियों का मुद्दा उन्होंने उठाया। जमीन अधिग्रहण मुआवजे के मुद्दे लगातार अखिलेश वहां पर उठा रहे थे। इंडिया को ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वोट मिला है। वहीं फैजाबाद में आपको बता दें कि बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह क्या क्या रही, वो भी जल्दी से आपको समझा। पहली वजह तो रही जातीय समीकरण, जिस तरह से इंडिया अलायंस ने साधा था वो उनके पक्ष में गया। दूसरी वजह रही कैंडिडेट से नाराजगी। तीसरी बार वहां पे खड़े थे लल्लू सिंह, ये एक बड़ी वजह भी माना जा रहा है। तीसरी वजह बीएसपी का सवर्ण कैंडिडेट वहां पे वोट की, वोट में जो हुई थी जिस तरह से बटे थे वो एक बड़ी वजह बनी। चौथी वजह कैडर का सपोर्ट कम मिला फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में क्यों हारी है बीजेपी, यह सवाल अभी भी लोगों के जहन में लगातार बना हुआ है। मुख्य कारण कौन कौन से? तीसरी बार लल्लू सिंह को टिकट दे दिया, कॉन्फिडेंस में थे कि तीसरी बार भी जीत जाएंगे, लेकिन एंटी इनकंबेंसी यहां पे देखने को मिली। नया चेहरा ना उतारना बीजेपी को भारी पड़ा, इसलिए हम लगातार ये पॉइंट अपने आप में बहुत बड़ा है। लल्लू सिंह पर भरोसा किया, नया चेहरा नहीं उतारा। लल्लू सिंह के खिलाफ स्थानीय लोगों में नाराजगी का दावा था जिसे बीजेपी के आला नेता भाप नहीं पाए। वहीं साथ में जमीन अधिग्रहण बड़ी वजह बताई जा रही है और अखिलेश यादव ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया भी था, क्योंकि लोगों को मुआवजा नहीं मिला था, सही कीमत नहीं मिली थी, प्रशासन को लेकर नाराजगी चुनाव में दिखी। तो अपने आप में आज नजर लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में है कि राम मंदिर बना है, उसके बावजूद भी अयोध्या में बीजेपी क्यों हार गई। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पीछे धकेल कर 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ जोड़ी बनाकर पूर्वांचल पर कब्जा जमा लिया
उसमें अयोध्या में मिली जीत समाजवादी पार्टी के लिए सबसे मीठी है, क्योंकि यहाँ अखिलेश की रणनीति काम कर गई। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, ये पूरे हर पहलू पर फेल हो रही। इसका कोई मुद्दा नहीं था, केवल मुद्दा नहीं था, इनका मुद्दा था मंदिर, मस्जिद, हिंदू पाकिस्तान सबका मुद्दा। आज जो मुद्दा है हमारे देश का, महंगाई का मुद्दा है, और इन्होंने पूरी तरह ढोंग बनता है, इसलिए इनकी हार की शुरुआत हुई है, पतन की शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी और दिनेश सिंह जैसे कार्यकर्ता के लिए गंभीर चिंतन का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जहां हम भगवान श्री राम का मंदिर भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद निर्माण कराते हैं, और बड़े बड़े एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, बड़े विकास का निर्माण कराते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में, मैं पहली बार कह चुका हूं, भ्रम पैदा किया है, उस भ्रम को हम लोग यथाशीघ्र दूर करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा वातावरण बनाने में कामयाब होंगे। अखिलेश यादव के दलित चेहरे ने बीजेपी के धुरंधर ठाकुर चेहरे को हरा कर दिखा दिया कि अयोध्या पर कमंडल नहीं बल्कि मंडल भारी है। क्या ये जातीय समीकरणों का चमत्कार है, या फिर लोगों को कम मुआवजे का विकास रास नहीं आया? फैजाबाद सीट की हार ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और बीजेपी से लेकर संघ परिवार तक सभी को सदमे में डाल दिया है। देश ही नहीं, दुनिया भर में अगर बीजेपी की किसी एक सीट के हारने की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी है, तो वो है अयोध्या लोकसभा सीट। वही अयोध्या जो बीजेपी के हिंदुत्व के विचारधारा के मूल में है। जिस अयोध्या में 22 जनवरी को नए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में 2024 के चुनाव का आगाज हुआ, बीजेपी वही अयोध्या हार गई। लोगों ने जो संविधान का जो डर दिखाया लोगों में, तो उसका आरक्षण खत्म कर देंगे, इस तरह की बातें, अफवाहें फैलाई गईं, उसका असर, क्योंकि प्रचार प्रसार में कहीं भी समाजवादी पार्टी दिखती नहीं थी, न उनका कोई वो था। ये केवल लोगों को जो भ्रामक सूचनाएं जो दी गईं, उससे मतदाताओं के मस्तिष्क में प्रभाव पड़ा। जिस राम मंदिर को आप पोल एजेंडा बना के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर एक आदमी के पास गए कि भाई राम मंदिर ने हमने बनाया और राम का प्रतिष्ठा बीजेपी ने किया, भाई भगवान का प्रतिष्ठा एक इंसान कैसे कर सकता है? कोई कर सकता है क्या? मेरे में क्षमता है कि मैं भगवान का प्रतिष्ठा करूं? ये यही दिखाता है कि जहां पे उन्होंने राम मंदिर प्रतिष्ठा किया, उसी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की हार हुई। एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में हुआ। यहाँ वह सीटें बढ़ाना तो दूर की बात, अपनी सीटें भी नहीं बचा पाई। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन ने उन्हें कड़ा मुकाबला दिया और एक तरह से हार की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। यूपी में बीजेपी का खेल बिगड़ गया। इनमें कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर पेपर लीक, अखिलेश यादव की सूझबूझ और मायावती का खेल सब कुछ शामिल है। और हाँ, संविधान को लेकर दिया गया बयान भी लोगों को शायद पसंद नहीं आया, जिसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जमकर मुद्दा बनाया। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं, तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं लोग। हमें उम्मीद है कि जनता ने जो फैसला देश के सामने लिया है, संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र मजबूत हो, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी चीजें आप देखोगे कि लोग उनके लिए साथ खड़े दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के इस निराशाजनक प्रदर्शन के साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार के 16 मंत्रियों की विधानसभा में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर राज्य में बीजेपी के टिकट पर 17 सांसद के अलावा 2 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ा है। अयोध्या की हार सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि देश भर के बीजेपी समर्थकों और हिंदुत्ववादी सोच के लोगों के लिए एक सदमे जैसा है। यूं तो फैजाबाद समाजवादी पार्टी के सबसे तगड़े समीकरण के सीटों में से एक है, लेकिन इस बार संविधान बदलने का जो माहौल, जो नैरेटिव पिछले कुछ दिनों में तैयार हुआ, उसी की वजह से यूपी में इतना बड़ा खेला हो गया। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इतनी करारी शिकस्त क्यों मिली, यह सवाल अभी बना हुआ। चलिए कारण बताने की कोशिश हम जल्दी से आपको कर देते हैं कि आखिर कौन कौन से वो कारण। डबल इंजन सरकार, लेकिन 29 सीट का नुकसान
बीजेपी को यूपी में हुआ है। केंद्र के 7 मंत्रियों की बड़े अंतर से वहां पे हार हुई है, जो एक बड़ी वजह रही है। साथ में आपका बता दें, यूपी के ही 2 मंत्रियों को यहां पर हार मिली है। यूपी सरकार में मंत्री थे, उनको भी हार मिली है। यूपी के 2 मंत्री के बेटे भी चुनाव हारे हैं, यानी परिवारवाद का जो मुद्दा बीजेपी उठाती है उसका खामियाजा उनको भी उठाना पड़ा। राजभर निशा जैसा सहयोगी पूरी तरह से फेल हुआ, गठबंधन किया था लेकिन यह गठबंधन एनडीए का यहां पर कामयाब नहीं हुआ। राम मंदिर बनाया लेकिन फैजाबाद हारे। अयोध्या की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि आखिरकार अयोध्या बीजेपी क्यों हारी। अयोध्या के आसपास 4 सीट और थी, वो भी बीजेपी पूरी तरह से हारे। अब कितना नफा नुकसान किस पार्टी को हुआ है, जल्दी से वो भी हम आपको समझाने की कोशिशें कर देते हैं। बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी को 3 सीट का फायदा हुआ है, बीजेपी को 3 का नुकसान। सेंट्रल यूपी की बात करें, यहां पर समाजवादी पार्टी 5 सीट का फायदा है और बीजेपी को 7 सीट का नुकसान है। पूर्वांचल, यहां पर देखिए 18 सीट का फायदा समाजवादी पार्टी को और बीजेपी देखिए -13 है वहां पर। पश्चिमी यूपी की बात करें, यहां पर भी बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा है। जहां समाजवादी पार्टी 6 सीट का फायदा है, वहीं बीजेपी की बात करें तो यहां पर -6 यानी 6 सीट का नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि सवाल यही बना हुआ है कि बीजेपी बहुमत से दूर हो गई है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बीजेपी की यूपी में हार। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज 24।